हेलो, सुस्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीक्रेट वॉर का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और इससे पहले के एपिसोड्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैशटैग के जरिए भी देख सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमने सबसे पहले हम देखते हैं थॉर्स को, जो कि कपाल के साथ फाइट कर रहे थे और साथ ही साथ वो मैक्सिमस और द मेकर को मारने की कोशिश कर रहे थे, जो कि किसी तरह के फोर्स फील्ड में थे। लेकिन थॉर्स के हैमर्स उस फोर्स फील्ड को तोड़ नहीं पा रहे थे। यहाँ पर हिडन आई ऑफ अगामोटो, जो कि सैंक्टम था शेरिफ स्ट्रेंज का, वो उन लोगों को बता रहा था कि गॉड ने पूरी ये दुनिया अपने हाथों से बनाई, ये बैटल वर्ल्ड, और वो उसके गद्दी पर बैठ गया। और यहाँ पर कैप्टन मार्वल कहती है, और तुमने उसे सर्व करना शुरू कर दिया है ना। लेकिन तभी स्टार लॉर्ड कहता है, एग्जैक्टली मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ, तुम्हारी केप। तुम्हारी वो केप फैंटास्टिक थी, क्या मुझे भी एक वैसे ही मिल सकती है? लेकिन तभी रीड कहता है, स्टीफन आखिर उस दिन हुआ क्या था? तब वो बताता है, तुम्हें पता है कि हमारे सीक्रेट ब्रदरहुड ने कुछ ऐसी चीजें देखी थी जो हम समझ नहीं पा रहे थे, और यूनिवर्स क्रैश हो रहे थे बिना किसी वजह के, और तुम्हें लगता था कि कोई वजह है इसके पीछे। वेल, तुम सही थे, इसके पीछे वजह थी। वो पेयंडर्स थे और हम उन्हें रोक सकते थे। हमने उन्हें एब्रिस में देखा, वो ओमनीपोटेंट थे, सो मैं डर कर वहां से भाग गया। लेकिन डूम नहीं, डूम ने हम सबको बचा लिया। और तब ब्लैक पैंथर कहता है, और तुम इस वजह से उसे सर्व कर रहे हो। वो कहता है, वो गॉड है, उसने कई जाने बचाई, उसने कई लोगों को फिर से संवारा। और वो आगे स्पाइडरमैन के पूछने पर बताता है कि सारी सिटीज तबाह नहीं हुई है, कुछ बची है, कुछ हिस्सा न्यूयॉर्क का, कुछ हिस्सा वकांडा का। डॉक्टर स्ट्रेंज आगे कहता है, क्या इतना तुम्हारे लिए काफी है या फिर तुम और जानना चाहते हो? वो इतना कह ही रहे थे कि तभी थॉर का हैमर चमकने लगता है, और थॉर जो कि न्यूली ज्वाइंट हुआ था थॉर आर्मी के साथ, वो पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तब शेरिफ स्ट्रेंज कहता है, इसका मतलब है कि हमें अभी कहीं और होना चाहिए। यहाँ किंगडम ऑफ पिटापोलिस में दो थॉर्स घायल हो चुके थे और सारे ब्रदर एक दूसरे को बता रहे थे कि वॉर के हालात क्या है। और उनमें से एक थॉर प्रे के लिए अपना हैमर उठाता है और उसकी प्रे उसके गॉड तक पहुंच जाती है, डूम तक। कैसल डूम में उसका वो होलोग्रामिक विजन देख रहा था उस थॉर का। तब डूम नीचे उतरकर अपने उस कमरे में जाता है जहां पर वो देख सके कि वो क्या रहा है। तब वो उस थॉर के साथ उस वॉर सीन में एंटर होता है, और उसी के साथ वेलेरिया और सुजन दोनों ही वो सब देख रही थी, जहां पर पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही स्टीफन स्ट्रेंज आता है उनके साथ, एवेंजर्स को देखकर और इल्यूमिनेटर्स को देखकर वो लोग चौंकने लगते हैं। वो उन्हें देखकर कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सुजन को रीड कर देता है अर्थ 616 का, और उसे देखते ही वो हैरानी और परेशानी से भर जाती है। लेकिन वो उन दोनों को वहां से ले जाते हुए कहता है कि मैं अभी आया, सर्जन को तैयार करो। और जैसे ही वो वहां पर टेलीपोर्ट होता है, वो सबसे पहले रीड रिचर्ड को पुकारता है, और उसके जवाब में अर्थ 616 का रीड रिचर्ड कहता है, विक्टर, क्या तुम्हारे पास यही है? यही तुम्हारी सच्चाई है? आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शंस, ये वर्ल्ड, ये थ्रोन, क्या तुमने ये सब इसीलिए किया था? मैंने टोटल अनहाइलेशन से सब कुछ बचाया, मैंने एक मैजिक की तरह काम किया, मैंने ये सब कुछ बचाया, और अब तुम इस पर हक जताने आ गए। तब वो कहता है, हमने एक शिप बिल्ड किया खुद को और दूसरों को बचाने के लिए, लेकिन तुमने एक गद्दी बनाई खुद को राज करने के लिए। लेकिन तभी थानोस उन दोनों को इंटरप्ट कर कहता है कि अगर तुम्हारे डाउट्स हो गए हो तो मैं पूछूंगा कि अगर कोई गॉड बनने की कोशिश कर रहा है तो वो इस चीज से शर्माएगा नहीं। और तभी डूम कहता है, हाँ, और मैं गॉड हूँ। और एक बहुत ही बड़ा धमाका करते हुए वो कहता है, मैं तुम्हें कुछ वक्त देता हूँ अपने थिंकिंग्स को बदलने का, अपने माइंड को रीएडजस्ट करो, और मेरे सामने घुटने टेक कर मेरे पाँव पर नाक रखो और मुझे गॉड एक्सेप्ट करो, बिलीव करो मुझ पर। और तभी उस पर हमला करते हुए साइक्लॉप्स कहता है कि क्या यही तुम्हारा फ्यूचर है, कि क्या तुम यही बनना चाहते थे?
तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ एक मैन हो, और मैं एक मैन से कहीं बढ़कर एक म्यूटेंट हूँ, और ये प्लेनेट हमारा है, ये प्लेनेट मेरा है। तभी डूम उसे गले से पकड़ते हुए उसे मारने लगता है, और स्टीफन स्ट्रेंज यहाँ पर अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए सभी एवेंजर्स वहां से दूर भेज देता है। यहाँ पर साइक्लॉप्स का गला दबाते हुए डूम कहता है, फ्यूचर, तो तुम फ्यूचर के बारे में कुछ कह रहे थे ड्रीम बॉय, और अब तुम्हारा फ्यूचर यही है। यहाँ पर जैसे ही साइक्लॉप्स मर जाता है, सभी लोग टेलीपोर्ट होकर किसी और जगह पर पहुंच जाते हैं, और डूम उससे पूछता है कि बताओ स्टीफन, तुमने उन्हें कहाँ भेजा? वो कहता है, मैंने उन्हें हवा में बिखेर दिया, लेकिन क्यों? क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि क्या होने वाला है, और तुम इससे इनकार नहीं करोगे कि वो तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकते, और तुम अपने कॉम्पिटिटर को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। ये तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात होगी, क्या तुम ऐसा नहीं करते? तब डूम कहता है, मुझे पता है कि उनके नेचर में क्या है, वो अपने नेचर को करेंगे और वो वापिस आएंगे, तुम जानते हो। तब स्टीफन कहता है, हाँ मैं भी ये जानता हूँ, लेकिन हमने जो साथी देखे ओल्ड वर्ल्ड से, जिसके साथ मैंने एक लाइफ टाइम बिताई है, हम दोनों ने भी कई एक साथ बहुत अच्छे काम किए हैं। तब वो कहता है, हाँ हम आगे भी अच्छे काम कर सकते हैं। तब वो कहता है, ऑफकोर्स हम कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकता। तब वो कहता है, उन्हें वापस बुलाओ। इस पर स्टीफन कहता है, नहीं। तब डूम गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझे टेस्ट करना चाहोगे स्टीफन? तब स्टीफन कहता है, मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि तुमने उसके साथ क्या किया। तुम्हें पता है कि तुमने री टीचर की पूरी जिंदगी उससे छीन ली, पूरी जिंदगी, और इतनी पावर होने के बाद भी तुम अभी भी उससे डर रहे हो, तो तुम क्या सोचते हो मेरे दोस्त, तुम इसके काबिल हो? और इतना सुनने के बाद डूम गुस्से में डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है, और यही पर आज की कॉमिक खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।